मैं खुद मेडिकल फील्ड में हूँ तो मैं हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हूँ, तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ तो मैं भी कुछ हेल्दी और अच्छी चीज़ खिलाऊँ सबको। लोगों को हेल्दी खाने का विकल्प देने के लिए नर्स से बनी बिजनेस वुमेन और चाट ढोकला बेचकर पूरे अहमदाबाद में हो गई मशहूर। मिली चटाको लाइव ढोकला के नाम से फूड स्टॉल चलाने वाली रिद्धि पटेल से, जिन्होंने करीब 10 साल तक बतौर नर्स का काम किया, फिर कुछ समय के लिए विदेश भी रही। लेकिन जब वे फिर से भारत लौटी तो उन्होंने नौकरी करने के बजाय खुद का काम शुरू करने का मन बनाया। रिद्धि कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे अपनी पहचान बनाने के साथ वे लोगों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रख सके। मेरी फैमिली में सब मुझे बोलते थे कि तुम्हारा ढोकला बहुत अच्छा बनता है, कि इसमें भी तू कुछ यूनिक करे तो तेरी अच्छी कुछ बिजनेस भी हो जाएगी, अर्निंग भी होगी, कि कुछ तली हुई चीज़ नहीं होती, कुछ मीन्स पड़ी हुई चीज़ नहीं होती, एकदम लाइव और विदाउट फ्राई चीज़ मिलती है। मैंने तुरंत यूके से आके मैंने ये मेरा नया स्टार्टअप शुरू किया है। अभी मुझे रिस्पॉन्स भी पब्लिक का अच्छा है। रिद्धि और उनके पति अच्छी नौकरी के लिए विदेश तो गए थे, लेकिन कुछ सालों में ही पूरे परिवार को भारत वापस आना पड़ा। उनके पति ने तो मार्केटिंग की नौकरी भी शुरू की, लेकिन रिद्धि को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे खुद को आत्मनिर्भर बनाए। ऐसे समय में उनका हुनर बखूबी काम आया। हर फीमेल में कुछ ना कुछ होता है, ने आपको जो भी आता है हर फीमेल को वो कुछ करना चाहिए, अपना कुछ अनोखा वर्चस्व होना चाहिए कि कल उठ के भगवान न करे कुछ भी हमारे घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए तो खुद कुछ कर सके, कुछ अर्निंग कर सके, जिससे हमारे फैमिली और बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। रिद्धि उन सभी महिलाओं के लिए मिसाल है जो किसी वजह से 9 से 5 वाली नौकरी नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में वे भी अपने यूनिक टैलेंट को अपना काम बनाकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। आत्मनिर्भर महिलाओं के प्रेरक बिजनेस से जुड़ी ऐसी और कहानियां देखने के लिए द बेटर इंडिया को फॉलो करना ना भूलें।